नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई दुबई वीआई से रिलेटेड 10 कुछ खबरें हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आप यहां भी रहते होंगे, आप इंडिया में रहते होंगे, आप वीआई दुबई में रहते होंगे, तो आपके काम का हो सकता है। कोरोना अपडेट की सबसे पहले बात कर लें साथियों। आपको पता है भाई, कोरोना अपडेट दुबई में हालांकि इतना नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़ रहा है। 31,000 प्लस केस अभी तक हो चुके हैं, जिनमें से 253 के करीब अभी तक डेथ हो चुकी हैं। और रिकवर की बात करें तो रिकवर रेशियो ठीक है, 16,000 प्लस रिकवर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना स्टेबल है, ज़्यादा नहीं और मौत भी कम हो रही है और बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है धीरे धीरे। और यूएई गवर्नमेंट ने आपको पता भाई सब तरीके दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया, ये बढ़िया न्यूज़ है। ये बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक ज़रूर कर लें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दुबई अपडेट। भाई दुबई की बैड न्यूज़ ये आ रही है कि एक इंडिया का शिक्षक का टीचर था, दुबई में पढ़ा रहा था, जो कोरोना की वजह से उसकी डेथ हो गई। टीचर था, टीचिंग का काम करता था। आज से दो दिन पहले की न्यूज़ है, आज की एक डेथ और हो गई। एक बंदा था, नीलम मोहम्मद नाम था उनका, कोरोना था उसको, कोरोना से पीड़ित था, लेकिन वो ठीक हो चुका था, लेकिन मानसिक प्रॉब्लम उसको होने की वजह से वो छत से कूद के आत्महत्या उसने कर ली। तो इंडियन लोगों के लिए बैड न्यूज़ है भाई, दो मौत हो चुकी हैं अभी दो दिन के दौरान। यूए गवर्नमेंट ने साथियों कुछ नई अपडेट, नई घोषणाओं के साथ लॉकडाउन पूरी तरीके से खोल दिया, 100%, यानी अब तक तो 80% था, अब 100% खोल दिया गया है। कुछ नई अपडेट है, मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूं, ताकि आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, मैं भी आप लोगों को बताता रहूंगा, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। तो ईद के मौके पर हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने वली अहमद, जो अबू धाबी के शेख हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको ईद पे मुबारकबाद दी। दोनों तरफ की देशों की तरफ से अमन चैन की दुआ की गई, दोनों देशों के संबंधों पे बात हुई। जी यार निकल के आ रही है साथियों, ईद के मौके पे दुबई की जो सबसे बड़ी जेल है उसमें 35% कैदियों को निकाला गया है, जो नॉर्मल जुर्म में थे उनको 35% कैदियों को रिहा कर दिया गया है, उसमें इंडियन लोगों की भी संख्या बताई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ साथियों, ये निकल के आ रही है कि एयर अरेबिया 16 जून से दिल्ली की फ़्लाइट दिखा रही है, ऑनलाइन शो कर रही है। साथियों आप देख लीजिए अपने स्तर पे, आप ट्राई कर लीजिए। फ्लाई दुबई की फ़्लाइट भी वेबसाइट पे 6 जून से इंडिया के लिए फ़्लाइट शो कर रही है साथियों। तो हो सकता है भाई जून के बाद में गवर्नमेंट अगर डिसाइड कर दे तो वहाँ की फ़्लाइट इंडिया के लिए चलनी स्टार्ट हो जाए, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी इंडिया आने के लिए। जॉब मार्केट की बात करें तो भाई जॉब मार्केट बड़ा दुबई का डाउन चल रहा है, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, जॉब बड़ी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, ये स्थिति आ रही है दुबई की न्यूज़ की तरफ से निकल के, गल्फ न्यूज़ की न्यूज़ में बता रहा हूँ आपको। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है साथियों, दुबई का एयरपोर्ट जल्दी खुल जाएगा। जून मीटिंग में हुआ फैसला, जून फर्स्ट तक दुबई का एयरपोर्ट खुलने की पूरी संभावना है, जिनमें इंटरनेशनल फ्लाइटें चालू हो सकती हैं। 1 जून से साथियों सब कुछ दुबई में चालू हो जाएगा, जिम या फिर इंटरनेशनल जो भी कामकाज है वो स्टार्ट हो जाएगा, सिनेमा हॉल, ट्रेनिंग सेंटर सब कुछ चालू हो जाएगा दुबई में। बाकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दुबई की तरफ से साथियों, आज जो मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड किया गया है भाई, जो दुबई रेजिडेंशियल जो वीज़ा होल्डर हैं उनको जून फर्स्ट से स्टार्ट कर लिया जाएगा, यानी जो विदेशों में फंसे हुए हैं या छुट्टी लेके गए थे उनको जो फ्लाइट स्टार्ट होंगी उसमें वापस बुला लिया जाएगा दुबई के लिए। तो ये भी बेस्ट न्यूज़ है, मैंने 2-3 वीडियो में पहले भी बोला था भाई, जो रजिस्ट्रेशन करवा लें जिनको वापस दुबई पहुँचना है। लास्ट न्यूज़ बता दूं साथियों, 27 मई की दुबई की 7 फ्लाइट हैं, 27 मई की। जी हाँ साथियों, आज की डेट में दुबई से अबू धाबी से इंडिया के लिए 7 फ्लाइटों का शेड्यूल रहेगा। बाकी वीडियो में मैं जानकारी शेयर कर दूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप देख सकते हैं। बस ये नॉर्मली सी जानकारी थी साथियों, मैंने आपके लोगों के साथ शेयर कर दी, स्क्रीन पर आपने ज़रूर पढ़ा होगा, इन चीज़ों को आप फॉलो करिए और ये आपके काम की हो सकती हैं, क्योंकि आप दुबई में लोकल हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।